हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अजिंक्य फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अजिंक्य ऑटोमोबाइल में। आज हमने रिसीव किया है स्कोडा फाबिया 2010 का मॉडल है। ऑलमोस्ट 13 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। गाड़ी में एक मेजर कंसर्न था, गाड़ी फुल टर्न लेते समय, यू टर्न लेते समय फ्रंट RHS और LHS बोथ साइड यू टर्न लेते समय खट खट की बहुत जोर से आवाज आती थी, बहुत बेकार नॉइज थी। इनिशियल हमने जब जॉइंट ट्रायल लिया कस्टमर के साथ तो 90% आइडिया आ गया था कि XL का नॉइज है। फिर भी हमने उसको खोल के चेक किया, कस्टमर को रिपोर्ट दिया तो XL के बेरिंग पूरी टूट के ख़त्म हो चुकी थी। तो और इसके पहले एक दो साल पहले कस्टमर ने XL रिपेयर करा लिया था, बट इस बार हमने कॉल लिया XL असेंबली पूरा रिप्लेसमेंट का। बहुत XL हमने ओपेरा ग्रे मार्केट से मंगा ली है, साथ ही साथ इसका PMS हमने पिच किया है। तो हम करेंगे इसका पीरियोडिक सर्विस, XL का रिप्लेसमेंट, जो पीरियोडिक सर्विस में रिपोर्ट निकला है उस रिगार्डिंग, आगे के ब्रेक डिस्क की थिकनेस लेस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ब्रेक डिस्क रिप्लेस होंगे, आगे के दोनों ब्रेक पैड रिप्लेस होंगे, पीछे का RHS साइड रेयर RHS साइड व्हील हब में मेजर हार्मिंग साउंड है तो वो बेरिंग भी रिप्लेस होगा। और जो हमारे शेड्यूल में है व्हील अलाइनमेंट वॉशिंग एंड पीरियोडिक सर्विस रिगार्डिंग, जो बोनेट फ्लूइड्स चेकअप होते हैं, अंडर चेसिस सस्पेंशन, वो सारी चीज़ें इस फाबिया के साथ अच्छी होगी, तो आप बने रहिए। स्कोडा फाबिया का एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट डन। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था रेयर RHS साइड हार्मिंग साउंड था, तो उस रिगार्डिंग हम इसका व्हील हब रिप्लेस कर रहे हैं। ये पुराना वाला है, ये नया है, ये रिप्लेस करने पे वो हार्मिंग साउंड बंद हो जाएगा। बेरिंग इसके अंदर जो व्हील बेरिंग आती है वो ड्राई होने पे ऐसा नॉइज आता है। और हम इसमें यूज कर रहे हैं SMR का प्रीमियम बेरिंग्स। SMR बहुत अच्छा व्हील बेरिंग्स और ये सब बेरिंग्स में है, ऑटोमोबाइल लाइन में इनका बहुत रिलीज बेरिंग वगैरह भी बनाता है, सही ब्रांड है, कोई तकलीफ नहीं। आज तक बहुत गाड़ियों में मैंने रिप्लेस कर चुका हूँ। ये हमने सेफ ब्रांड के फ्रंट बोथ XL मंगाए हैं। ये फाबिया में इस तरह से XL आता है, जो ये दोनों XL रिप्लेसमेंट होंगे। इसके साथ साथ उसके किट में नए XL के बोल्ट्स और लॉक भी आया है जो यहाँ पे लगेंगे, तो ये दोनों XL रिप्लेस हो जाएंगे। और ये हाईक्यू की ब्रेक डिस्क आगे की, जो पोलो और फाबिया में सेम आती है, ये सब सिस्टर कंसल्टेंसी कंपनी है, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें सेम ही रहते हैं। और ये ब्रेक पैड्स ओरिजिनल Volkswagen VW के ब्रेक पैड है, तो ये ब्रेक पैड भी रिप्लेस हो जाएंगे। ये ब्रेक पैड सेंसर के साथ है, तो हो गए ब्रेक पैड्स, ब्रेक डिस्क, आगे के दोनों XL और पीछे का व्हील हब बेरिंग। और इसका ऑयल फिल्टर कहाँ है? इस स्कोडा फाबिया का निकल रहा है पुराना वाला ऑयल फिल्टर जो रिप्लेस होगा। ये फाबिया का पीछे का हब चेंज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है ये हब। ड्रम सर्विस, ब्रेक ड्रम सर्विस करके वो भी फिक्स कर दिया, अभी टायर लगा देंगे। आगे का ब्रेक डिस्क भी हमने नया डाल दिया, ब्रेक पैड भी रिप्लेसमेंट हो गए। और ये आपको XL दिख रहे हैं, नया चमचमाता XL भी रिप्लेस हो चुका है। फाबिया रेडी हो जाएगी। एयर फिल्टर ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया था, AC फिल्टर भी डाल दिया था, नया ऑयल फिल्टर ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, सिर्फ इंजन ऑयल डालना पेंडिंग है। लेफ्ट साइड का XL फिटमेंट वर्क इन प्रोग्रेस। पीछे का डाइनर फाइनली फिटमेंट हो गया। केतन से कर रहे तू, कुछ तकलीफ आएगा ही नहीं काम में।
ये व्हीकल में से निकले हुए ओल्ड कंपोनेंट से व्हील बेयरिंग है, पीछे का राइट साइड का व्हील हब, और वैसे ही ये फ्रंट RHS एक्सल और LHS एक्सल है। और ये टूटा हुआ एक्सल का बेयरिंग आप देख सकते हो, बेयरिंग पूरा टूट के गिर चुका है, और ये गियर बॉक्स की तरफ से एक्सल का हब है। ये एक्सल की बहुत बुरी कंडीशन है।